बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन या ऐसा स्पेस जिसमें ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट कर सकता हो, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। जैसे एक आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक क्यू चार्ज है। अब इसके अराउंड ये वाला स्पेस जो है, अब इसमें अगर हम कोई भी चार्ज रखेंगे तो ये क्यू चार्ज उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जिस रीजन में, जितने स्पेस के अंदर अंदर ये उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो तब भी उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके अराउंड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पर्टिकुलरली हम यहाँ बात करते हैं वो पॉइंट चार्ज की, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट। तो अब इसका कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमें माइकल फैराडे, उसने इसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है। नेक्स्ट आप ये दो फार्मूले देख सकते हैं, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये कूलम्स लॉ है जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। ये दोनों रिलेशन से, दोनों फार्मूलों से हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा इन दोनों फार्मूलों से कि ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट हुई। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हम ये नहीं हमें पता होगा कि ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ये फोर्स कैसे ट्रांसमिट हुई। इसके बारे में ये हमें दोनों जो फार्मूले हैं ये कोई गाइडेंस नहीं देते, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। इसके लिए भाई एक इस बात को समझने के लिए कि हाउ दिस फोर्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, इसके लिए भाई एक फील्ड इफेक्ट थ्योरी है। इसको मुख्तसरन फील्ड थ्योरी भी कह लेते हैं। तो पूरा नेम इसका फील्ड इफेक्ट थ्योरी है। ये क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका ये है कि एवरी चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो कोई, वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, हर एक के अराउंड अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दूसरा इसका जो पार्ट है या दूसरा जो स्टेप है इसका फील्ड इफेक्ट थ्योरी का, कि ये फोर्स ट्रांसमिट सिर्फ एक सूरत में होगी, जब कम से कम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान इंटरैक्शन होना ज़रूरी है, तब ये फोर्स ट्रांसमिट होगी। अदरवाइज ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट नहीं होगी। जैसे इन फिगर में आप देख सकते हैं, मैं दोनों स्टेप्स को ये इन फिगर की मदद से आपको बताने जा रहा हूँ। एक क्यू चार्ज है, उसके अराउंड भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक क्यू नॉट चार्ज है, उसके अराउंड भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसका पहला स्टेप है कि एवरी चार्ज हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे, लिहाजा एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे और वो दूसरे स्टेप को हम समझेंगे। इसमें क्या है
कि आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रही है दोनों फील्ड्स के दरमियान, क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों भाई आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब तो अब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अब ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट होगी, तो ये इंटरेक्शन का होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसी तरह की बात करने लगा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें हम, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हों, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हों, रिस्पेक्टिव फील्ड्स का इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये फोर्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, एक मैग्नेटिक सबस्टांस से दूसरे मैग्नेटिक सबस्टांस तक ट्रांसमिट नहीं होगी। अच्छा, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये लाइक फील्ड्स का इंटरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, नहीं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ही आपस में इंटरेक्ट करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स हों या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड्स हों, लाइक फील्ड्स का इंटरेक्शन, उसके नतीजे में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकती है या फिर मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है। ठीक है जी, तो ये भाई फील्ड इफेक्ट थ्योरी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके दोनों स्टेप्स क्या हैं फिगर की मदद से भी। नेक्स्ट भाई हम डिफाइन करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये बात तो है हमारे पास कि जब भी कोई चार्ज होगा तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहेंगे, स्ट्रेंथ मालूम करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस पॉइंट के ऊपर आप यूनिट चार्ज प्लेस कर दें। जितनी फोर्स लगेगी इस क्यू चार्ज की वजह से उस यूनिट चार्ज के ऊपर, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और इसकी ऐसे यूनिट जो है वो इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें हम ये करते हैं कि एक ये जो हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्यू नॉट चार्ज से इट इज़ पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया है। अभी ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये ज़रूरी नहीं कि यूनिट चार्ज हो, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ उसको कहना है जो इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिट चार्ज पे एक्ट करेगी। तो भाई हम क्या करते हैं कि ये अब दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू नॉट, इनके दरमियान सेपरेशन आर है, तो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ हम ये इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं। तो ये भाई के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर, ये हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिख ली कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए। ओवर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास क्या रह जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ये के जो है ये हम इसको डिटेल से देख चुके हैं कि ये कूलम्स कांस्टेंट है और इसको हम ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर होती है। तो भाई ये हमारे पास फार्मूला आ गया।
किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो ये भाई देखें, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर यूनिट वेक्टर। ये भाई आर यूनिट वेक्टर से हम इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे। तो ये मैं सेपरेटली इसको मैग्नीट्यूड सेपरेटली लिख लेता हूँ और डायरेक्शन अलग से। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया भाई ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अब के तो कांस्टेंट है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। चार्ज की ये क्वांटिटी कितनी थी और वो पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर था जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना थी, इन दो बातों के ऊपर ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। इसका मतलब जैसे जैसे ये पॉइंट दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जो पॉइंट करीब होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट तो भाई यूनिट वेक्टर से करते हैं, बट हाउ वी कैन फाइंड इट, इसको मालूम कैसे करेंगे? तो इसको मालूम करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के बारे में आपको पहले भी बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी होता है। तो इस टेस्ट चार्ज को हम यूज़ करेंगे भाई। किस तरह यूज़ करेंगे? जिस पॉइंट के ऊपर, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकता है और किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। हमने अब इसकी इसके किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना था और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर हम चाहते हैं इसकी डायरेक्शन मालूम करना, वहाँ पर हम जो है वो टेस्ट चार्ज प्लेस करें और उसको रिलीज कर दें, उसको छोड़ दें। तो जोन सी डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अच्छा यहां पर अब आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वैल्यू की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये भाई चार्ज की नेचर के ऊपर, चार्ज की नेचर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चार्ज की नेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। तो जब हम प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें हम, तो ये चार्ज की नेचर साथ मेंशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, उसके साथ इसका तल्लक ही नहीं है। चार्ज की नेचर का तल्लक किसके साथ है? चार्ज की नेचर का तल्लक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ है। अगर तो ये चार्ज की नेचर पॉजिटिव होगी तो इस चार्ज से अवे डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और अगर ये चार्ज की नेचर इसकी नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज होगी। राइट, नेक्स्ट भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अभी हमने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की कि हर चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट जब करना है तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से करना है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह लेते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की को जब हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो वहाँ ड्रा करना पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये देखते हैं भाई कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती क्या है। तो ये दो तरह से मैं इसको डिफाइन करूँगा, वो ये
कि या तो आप कहिए कि ये एक ऐसा मैप है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। ऐसे मैप को हमने क्या कहना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दूसरा भी, ये वो पाथ है जिस पाथ के ऊपर एक टेस्ट चार्ज मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। द पाथ ऑन विच अ टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या होगा, उसको देखते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हम, जारी बात है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट अब करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो वो कैसे ड्रा करेंगे हम। इसके लिए भाई हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, इसके अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करके रिलीज करते जाएंगे। जिस पाथ के ऊपर ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा वहाँ हम ये लाइन्स ड्रा कर देंगे। अब अवे मूव कर रहे हैं तो एरो हेड से उसकी डायरेक्शन अवे दिखा देंगे, जैसे ये नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया हुआ है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दिखाई गई हैं और ड्रा यही ऐसे ही करेंगे कि इसके अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करते जाएंगे और रिलीज करते जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर मैं चंद एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके अराउंड आपको दिखा रहा हूँ जो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से अवे डायरेक्टेड है। ये इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो सकती हैं, हम चंद एक दिखा रहे हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया जा रहा है। इसमें देखें आप, जहाँ भी इसके अराउंड टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज था, आप किसी पॉइंट के ऊपर भी उसको प्लेस करेंगे तो वो पॉजिटिव, वो जो टेस्ट चार्ज है वो इसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि देर अनलाइक चार्जेस होंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो ये इंडिविजुअली भाई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है और इसको कैसे ड्रा करना है। नेक्स्ट फिगर में कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया जा रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इन दोनों की वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। अब जहां भी आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज ने उसको रिपेल करना है, इस नेगेटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये डायरेक्टेड होंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर भी आपको एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जा रहा है दो पॉइंट चार्जेस की वजह से। वो दो पॉइंट चार्जेस हम दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, ये उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट फिगर में दो जो है वो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है उसको भी हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेक्स्ट भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम थोड़ा सा थिंक ओवर करें इन डायग्राम्स के ऊपर, इन फिगर्स के ऊपर, तो काफ़ी हद तक हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, तो
तो देखिए, हमने इसको डिफाइन किया कि ये तो वो पाथ है जिस पाथ के ऊपर एक टेस्ट चार्ज मूव करता है। तो ये कोई जिस्मानी वजूद नहीं रखती, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, या ये कह सकते हैं कि दे आर इमेजिनरी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी होती हैं। फिर ये करव्ड भी हो सकती हैं और स्ट्रेट, दे मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट भी हैं और ये कुछ कर्व्ड भी हैं। नेक्स्ट भी ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये भी, ये मैंने दो आपको कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करके दिखाए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड एट नेगेटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहाँ ये अपार्ट फ्रॉम या फर्दर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जहाँ ये इक्वली स्पेस्ड होंगी वहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। इस बात को भी आप देख सकते हैं, मसलन इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, किसके करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं। जैसे जैसे हम अवे जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला जो है, सेपरेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, अवे होती जा रही है एक दूसरे से। इसका मतलब इस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। इसी तरह आप ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इसमें ये दोनों प्लेट्स के इनसाइड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और एट द एंड आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से फासला कुछ बढ़ गया है, इसका मतलब एंड पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वीक हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इसका मतलब वो एक तो हमें ये देखकर ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ क्लोज हैं, कहाँ अपार्ट फ्रॉम हैं, कहाँ इक्वली स्पेस्ड हैं। इसका एक और तरीका भी है कि हम यूनिट एरिया लें